बेरमो के गांधीनगर ओपी थाना इलाके के गोदो नाला के किनारे कई परिवार डर के साय में जीवन गुजार रहे हैं। पिछले 30 जुलाई की भीषण बारिश के कारण गोदो नाला उफान पर था। बारिश के कारण मिट्टी भी धस गई थी। मिट्टी धसने की वजह से कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। इन घरों में रहने वाले लोगों ने बेरमो वीडियो को आवेदन देकर गोदो नाला पर गार्डवाल बनाने की मांग की है। बारिश बंद होने के बाद भले ही नाला में पानी की रफ्तार कम हो गई हो, लेकिन पानी के रिसाव के कारण नाला के किनारे बसे लोगों का घर कभी भी जमींदोज हो सकता है। वहीं भीषण बारिश को देखते हुए डीसी बोकारो ने जो निर्देश जारी किए थे, उसके अनुसार बेरमो वीडियो मधु देवी ने गोदो नाला क्षेत्र का दौरा किया था, लेकिन अब तक इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। बहरहाल इन लोगों की सांसें अटकी हुई हैं कि कहीं उनका आशियाना इस मौसम के भेंट न चढ़ जाए। बेरमो प्रखंड के जरीडी बाजार पूर्वी पंचायत नीचे बाजार में एक नदी गुजरी है जिसे गोदो नाला कहा जाता है। पिछले दिनों जो बारिश आई थी, उस बारिश में मिट्टी कटने की वजह से कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है और स्थिति ऐसा है कि अगर इसमें जल्द गार्ड वाल का निर्माण नहीं कराया गया तो एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसे लेकर हम लोगों ने बेरमो प्रखंड के विकास पदाधिकारी से मिलकर बात की है, एक आवेदन दिया है ग्रामीणों को, संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आवेदन, और मांग किया गया है कि गार्ड वाल का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।